In रिम्लमसैन वलहा सिलसिले तफसर की यह तिहत्तरवीं नशत है और इस नशस्त में इनशा सुरतल की जो बावीसवीं आयत करीमा है उसकी तफसर तो हो चुकी है अलहदिल्ला अबतः उस आयत करीमा से मुतक़ कुछ आसार हमें मिलते हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा अल्लाह सुबहान आयत करीमा में बयान फरमाया कुल्लमा आरोधु अखरुजो मिन हा मिन गम मिन वो व वूक व आज़ाबल हरीक़ इस आयत करीमा का जो सियाक है अल्लाह सुबहान ने अहले ईमान और दुनिया भर के कुफ़ार को एक साथ बयान फरमाया और फिर अल्लाह रबुलामी ने कल क़यामत के दिन अहले ईमान के लिए और कुफ़ार के लिए क्या सज़ा और क्या उनके लिए जो अहले ईमान के लिए इनामत रखी उसका अल्लाह ने बयान फरमाया कुफार को दी जाने वाली सज़ाएँ मुतद हैं यहाँ अल्लाह सुबहान चंद एक अजाबात का ज़िक्र फरमाए हैं जैसे उन्हें आग के कपड़े पहनाए जाएंगे उन्हें जो है आ, यानी खोलता हुआ पानी उन, उनके सर पर से डाला जाएगा और लोहे के हथोड़ों से जो है उन्हें मारा जाएगा न तो सरल हल्सम उसके बाद अल्लाह रब्लम ने फरमाया कि जब ये एक अलग अलग नौीय की जो सजाओं का जो सामना करे सामना करेगा एक काफिर तो वो जहन्नम से निकलने की कोशिश करेगा कुल्लम अरा अन यखरुजु मिनहा मिन गम्मिन जहन्नम के ग़म से जहन्नम के दुख से जहन्नम की परेशानियों से वो जब जब निकलने का इरादा करेगा निकलने के इरादे से क्या मुराद है वो क्या निकलना चाहेगा क्या निकलने के लिए उतनी आसानी होगी उसके लिए क्या इतना खुला यानी माहौल होगा नसर सलामा कि वो निकल करके दरवाजे तक आ जाएगा फिर उसे अंदर ढकेला जाएगा इसमें क्या तफसील है वो तो मैं आगे भी बताऊंगा इन जिससे आपको बात काफ़ी हद तक वाजे हो जाएगी अल्लाह रब्लम ने फरमाया कि मा मिन मिनोफ़ी तो जब जब ये निकलना चाहेंगे जब कभी निकलना चाहेंगे तो उन्हीं इस, इस गम से जहन्नम के गम से तो वज़ाबल हरिक़ क्या मतलब ए क़िला लगम या कल उनसे कहा जाएगा कि जो है वो जल जो जो, जो जलाने वाला जो अज़ाब है उसका वो मज़ा चकते रहें इस सिलसिले में हमें कुछ आसार मिलते हैं सबसे पहले एक सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह से मरवी एक असर है और अगर उसकी इस्तनादी हैसियत देखेंगे तो वह सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह पर मौक़ूफ़ है सनत के अतबार से लेकिन अगर संदन ये सही हो इन सही है मैं जिसे आगे तफस से बताऊँगा तो इस अतबार से ये मानन मरफू होगा ये इसलिए कि जहन्म से मुतल एक बात कही जा रही है जिसका त्लु अक़ल और राय से नहीं है सलमान फारसी रजी से एक असर मिलता है हमें जो तकरीबन मुफसरीन ने इस आयत करीमा की तफसर में उसको जिक्र किए हैं सलमान फारसी रजी कहते हैं कि एक हर मुसलमान हर इंसान जो मुसलमान हैं जो जिसे जन्नत और जहन्नम पर ईमान है इन सब बातों से जो है मतलब एक तरह से जो है दिल में लर्जा तारी हो जाता है उन्होंने कहा सलमान फारसी रज़ी उन्होंने कि अन्नारु अननाद मगलिमत यानी ये जो आग है मुकम्मल जो है काली है और जो है मतलब मुकम्मल तारी ही तारी यानी आग जिस तरह से अंधेरा है हम जैसे आग सुलगाते हैं तो बिल्कुल उजाला हो जाता है सब चीज़ें नज़र आने लगती हैं जबकि जहन्नम की आग से मुतल कहा गया कि अन्नारु सऊदा उ जहन्नम की जो आग है बिल्कुल काली सियाह और इसमें जो है मतलब तारीकी ही तारीकी ल युवी व उसकी जो शरारे होते हैं उसके जो चिंगारियाँ होती हैं उसमें रोशनी भी नहीं होती ये अजीब व ग़रीब बात ला यी वमरूह यानी जहन्नम की जो आग है आग के जो शरारे होंगे आग के जो यानी चिंगारियाँ होती हैं उसमें उसमें वो वो रोशनी नहीं होगी उसमें जो है मतलब आ, किसी तरह का उजाला नहीं होगा अल्लाह हु अकबर सुभान अल्लाह सुबहानल्लाजीम वालाफ़ लहबूह और उसकी जो शे हैं वो बहरहाल यानी भड़कते ही रहेंगे उसमें ज़्यादती रहेगी कुल्लम ख़बत ज़िद्ह हम जैसे कि अल्लाह ताला ने ताली इसरा के अवाखिर में बयान फरमाया कि उसमें सिर्फ भड़काऊ ही बात रहेगी उसमें मतलब कमी वाली बात नहीं होगी ये कहा सलमान फारसी रजी रजील्ल्लह उन्होंने कहा अन्ना रु सौदा उत लमरू वहाबा ये क़ौल सुनाने के बाद सलमान फ़ारसी रजी रज़ील ने इस आयत करीमा को पढ़ा कि कुल लम्मा और यखरुजुमिन हा मिन गमिनफ़ी वजूक़ आदाबल सलमान फारसी रजी के हवाले से ये जो कौल हमें मिलता है हदीस की चंद एक किताबों में ये कौल जो है मतलब बयान किया गया है जैसे कि हाफ़िज़ अबू बकर बकरी शैबा रमुसनफ़ है उसके बिल्कुल आखिरी किताबों में सिफतुलजन्ना वन्नार या सिफतुल्नार से मुतक़ में मुस्तकिल एक किताब है और बहुत कुछ आप जो है आसार लेकर के आए हैं उसमें सलमान फारसी का रजील्ला कौल भी आप अपनी सनत से लेकर के आए हैं सनत किस एतबार से, से हो उसमें क्या कुछ कलाम है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा इन शह इसी तरह से एक मरूफ आलम दीन तीसरी सदी हिजरी की इबन अब दुनिया जो इल्मी दुनिया में अबिनब दुनिया से मारू हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अबन अब दुनिया से मरूफ़ हैं दो सौ अर्स पर एक जैसा नफ़ात कई किताबें हैं उनकी शायद आपको वीडियो में अगर नजर आ रही हो तो यहाँ पर रखा हुआ है पूरा उनका मौसुआ अलहमदिल्ला तो उसमें उनकी सारी किताबें यजाँ हैं उसमें सिफतुल्नार मुस्तकिल उनका एक रिसाला है उसमें भी ये रिवायत वो अपनी सनत से लेकर के आए हैं अल्बता इमाम इमामबन जरीर और तबारी रहा भी अपनी सनत से ये कौल जिक्र की हैं लेकिन सलमान फ़ारसी रज़ी उन्हों का उसमें नाम नहीं है कहाँ आकर के वो सनद रुकी है उसका मैं आगे जिक्र करूँगा इन शाह ताकि तफसील से आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ सके इमाम अबूबिल्ल हाकिम रम् अपनी अलमुसरकैन में भी इस रवायत को लाए हैं तो हदीस की मुतद किताबों में ये रिवायत मौजूद है इमाम हाकिम र्ला ने इस सनद को इस हदीस को या इस असर को अपनी सनद से नकल करने के बाद आपने कहा हाजा हदीसर शैन रिजा ये इमाम हाकिम र्ला ने कहा और इमाम जहबी ने इमाम हाकिम रहा के इस कौल की मुआफ भी की है मुसनफ इब्न अबी शैबा का जो मैंने अभी हवाला दिया आपके सामने आपको जो पीछे नजर आ रही है आ रही है ना पीछे नजर किताब मुसनफ इब्न नबी शहबा तो इब्न अबी शेबा जो है शेख साद अशतरी हफीज जो सऊदिया में एक बड़ा मकाम रखते हैं तो आ, उनकी तहक़ीक़ से ये जो है किताब छपी है तकरीबन पच्चीस जल्दों में उन्होंने इस रिवायत पर जो है जो हुक्म लगाए हैं कहा कि सही मौसात अबी दुनिया ये महक् नुस्ख़ा है लेकिन इस रिवायत पर जो है महक् ने कुछ भी कलाम नहीं किया है अलबा दिलचस्प बात यह है कि शेख अहमद शाकिर मिसरी रहा जिन्होंने आ, इमाम तबारी रहा की जामयान आयल कुरान की मुकम्मल उन्होंने तहकी की है यहाँ पर रखी हुई है तकरीबन सत्ताईस जल्दों में तो शेख अहमद शाकििर मिसरी रिवायत पर जो हुम लगाए हैं वो काबिल गौर है आपने कहा कि इसनाद हु हुन इन सलीम मिन तदलीसाश ये बात आपने लिखी है इसलिए कि सलमान फारसी रजी देखिए हालांकि तफसीर तबरी में सलमान का नाम नहीं है रज उससे पहले ही सनद वहां आकर के जो है मतलब वहीं पर रुकी हुई है आगे सलमान का नाम उस सनद में नहीं है जिसे इमाम तबरी ने लाए हैं रह सलमान फारसी रजी से इस रिवायत को नकल करने वाले जो साहिब इलम है वो इलमी दुनिया में कुत से मशहूर हैं अबू वबियान अबू वबीनान उनसे रिवायत करते हैं सुलेमान इब्नु महरान अल आमश हम इस तरतीब से बात करते हैं सुलेमान इब्नु महरान अल आमश रहमतुल्लाह से रिवायत करने वाले अबू मुआविया हैं मोहम्मद बिन खाजिम लेकिन वो अकेले नहीं हैं इमाम आमश रहमतुल्लाह के तलामज़ा की एक लंबी फहरिस्त है वो उन असाब इलम से हैं जिनके तलामज़ा की कसरत है यानी बल्कि उसको तबक़ात में तकसिम किया गया है सुमान इब्न महरानल्ला मरकज़ी रावी हैं सुलेमान इब्ब महरान रहम् सलेमान इब् महरान रम्लाकाहली एक सौ सैंतालीस हज़े सन्नफात सगारब ताबईन में से हदीस का एक तालब इल्म इस बात से अच्छी तरह वाकिफ रहता है कि सुलेमान इब्न महरान जो इल्मी दुनिया में इमाम आमश से मरूफ़ हैं कूफा में से अपनी इल्मी जलालत और जो है अजीमरतबत आलिम दीन और अपनी मुतद मनाक़ब रखने के बावजूद आप मुदलिस रावी हैं वहरत एक रावी के तदलीस करते हैं इब्ल हाजिर रह ने उसकी नशानदेही की है दीगर असाब एम ने भी तो यहाँ इस सनद में शेख अहमद शाकिर मिसरी जो इस हदीस पर हुक्म लगाए हैं वो यही कि सही दो इन सलीम बिन तदलीस आमश यही आपने लिखा है कि आमश रहल्ल की अगर तदलीस से ये चीज़ मतलब जो है मतलब सालम रहे रिवायात मुतादीगर तरुख से वग़ैरह तो फिर ये हदीस जो है संद है इसमें बात यह है कि इमाम आमश रहम मदलस हैं हाँ मदलस हैं लेकिन आपकी तदलीस से मुतलित थोड़ी सी तफसील भी है इमाम आमश रहम्ला की तदलीस से मुतल जो तफसीली तौर पर जो तज़िया किए हैं और इलमी दुनिया में जिसे एक अच्छा तज़िया माना जाता है वो है इमाम जहेब रह का इमाम अब आब्दिल्ला जहब रमा सात सौ अड़तालीस हजरस नफ़ात है आपका यानी इमाम जहबी इमामबी हैं सब जानते हैं इमाम जहबी रम्ह की एक किताब है मीज़ानातदा मीज़ानातदाफी नकदी रिजाल इसमें सुलेमान इब्न महरा आमशर र से मुलिक तकरीबन एक सफ़ात पर काफ़ी चीज़ें आपने लिखी हैं आपकी तदलीस से मुतल भी आपने गुफ्तु की, की। इमाम जहबी रम्ह ने इमाम सुलेमान इब्न महरान अल आमश रहमह की तदलीस से मुतल जो बातें की वो क्या है कहा कि सुलेमान इब्न महरान रहमाला मुदलिस रावी हैं जुआफा से, भी करते हैं। लेकिन वो रावी से जो जोफ जो हुआ है रावी में जोफ है कबील से आया है या जो है मतलब यानी सिकात से जो लेने में जो बात आती है यानी एक -एक रावी जिसने एक सिका रावी से इल्म लिया है लेकिन फी नफसी वफ़ है तो उसने किस तरह से जो है मतलब वो मलहूज़ रखा है उ, उ, उससे मुतल इमाम जहिब रहा ने कहा कि आप उससे जो है मतलब एक ज़यफ़ रावी की उन बारीकियों से आप वाकिफ़ नहीं रह सके तो कहा इमाम ज़ाहब रहा ने कि आप मुद्लिस रावी हैं लेकिन जो से आप तदलीस करते हैं अलबत् इमाम जहाबी रे एक बात ये भी लिखा कि इमाम आमश रहमल्ला जब भी रिवायत सुनाते वक्त जब कहते हैं कि मत कदाना जब भी इमाम आमश रहमल्लादसाना कहें कहा कि फ़ला कलाम उस पर कोई कलाम नहीं है वह मत कल अन लेकिन जब वो किसी रावी से रिवायत करते हुए अन से रिवायत करते हैं तो कहा कि ततरक़ा लहतमाल ततरक़ा एल एहतमाल तदलीस तो फिर यहाँ पर जो है तदलीस का अहतमाल हो जाता है इमाम जहबी र्ला ने जो नुकते की बात कही जिसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये इमाम ज़हबर रहम्ला ने कहा कि सुलेमान इब्न महरान रहम्ला जुआफ़ा से तद्लीस करते हैं लेकिन इमाम आमश रहल्ला के अजा की जो फहरिस्त है उनमें में इस की एक ऐसी जमात है जो फ़ी नफ्सी में से हैं फ़ी नफ्सही सवी हैं और फिर ये भी है कि इमाम आमश रहम्ला उनसे बकसरत रिवायत करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में इमाम आमश का अनाना भी इतिसाल पर महमूल होगा ये कहा इमाम जहब रहा ने इमाम जहबर रहा कहते हैं कि जिस तरह से इमाम आमश रह के अज़ाहा से तीन नाम आपने लिए एक अबू वाइल का शकी़ इबन मारूफ आलम दीन और दूसरा नाम लिया आपने अबू साल सम्मान ये भी मारूफ शख्सियत हैं अबू हर्रा के ख़ास तलाम में से एक तीसरा नाम आपने लिया इब्राहीम इबन यजीद नखाई रहा अजमाइन अब देखिये तलब बात यह है कि इमाम जहबी रह ने कहा कि फाइना रवायत फाइना रिवायत सिंफ महमूलत कि सुलेमान इबिन महरान रहा की वो रिवायात जो इन असहाब इल जो फी नफसी ही सिकात हैं सिकात में से हैं इब्राहिम नजीद नकाई हों या जो है मतलब अब अब अबू वाइल हों अबू साल समान हों सब सिकात में से हैं भले ही आपने वहाँ पर अबू रबियान का नाम नहीं लिखा है लेकिन कहा फ़ाइन रिवायात हूँ आनाद और नहीं, नहीं, इस इस कबील के जो हैं जिनसे इमाम आमश रहम रिवायत करते हैं तो फिर इस एतबार से अबू अबूबीन रहा एक फ़िकारावी हैं और फिर वो यानी कि किबार तबीन में से हैं और सुलेमान इब्न महरान अल आमश रहम्ह बकसरत रिवायत भी करते हैं अबू जबियान से शेख़ैन ने भी मुतद ऐसी अहदिस लाए हैं जिसमें सुलेमान इब्न महरान अमश अबू जबीन से रिवायत करते हैं तो फिर इस एतबार से इन शह इसी इसी इसी, इसी नुकते को सामने रख करके मुतद असाब आई जैसे हाकिम हो मज़हबी की मोाफ़त हो और शेख अहमद शाक़िर मिसरी हो दीर असाब इन ने भी जो इस शेख अलबानी रह ने भी इस असिला

आपका आपसे मिलने वाला एक असर नहीं रह जाएगा बल्कि ये मानन मरफो हदीस हो जाएगी इसलिए मुझे आपको इतनी तफसील बताने की ज़रूरत पड़ी है आप देखिए सुलेमान इब्ब महरान रहमाला से मुतल तो बात हो चुकी है लेकिन सुलेमान इब् महरान रहा यहाँ पर अनाना किए हैं लेकिन वो मुजिर नहीं है जैसे कि मैंने तफसल से आपको बता दिया उनके जो उस्ताद हैं अबू वबियान जो कुन्िया से मशहूर हैं हुसैन नाम है उनका हुसैन सीन सीनी सात से इमरान इब्न हुसैन में जो हुसैन है ना वह हुसैन हसैन अब्न जुनदब अजम्ब अल्कोफ़ी ओलमाए कोफ़ा में से हैं किबार तब्याईन में से हैं लेकिन कन्िया से मशहूर हैं अब वबियान इनके जो फ़र्जंदूस का, का, काबूस, काबूस उन पर तो कलाम है तो ये तो, तो सारावी हैं और किबार ताबियान में से कुबी सीता की सभी किताबों में आपके मरवियात हैं नबे हजर के ख़रीब आपका सनफ़ात है तो अब वबियान रह इन से मुतिक एक बात यह है कि इमाम जहाबी इबन हजर रहम् ने तहीब तहजीब में इमाम शोबा के हवाले से कहा कि इमाम शबा रनि नक़ीर करते थे इनकार करते थे आपने नफ़ी की कि जो है अबू जबियान ने सलमान फ़ारसी रज़ील् लम इसम अमिन सलमान ऐसे आपने कहा कि आपने यानी अनका शबैतुन सम अमिन सलमान ये अल्फाज इमाम अबिन हजर के राम तो गोए इम शुबा र ने नफ़ी की कि अबू जबीन का सलमान फ़ारसी रज़ील्न से समासाबित नहीं है लेकिन किताबुलजरही तादिर जो इबन अब हातिम राजल्ला ने उनके वालिद अबू हाथमर राजी के जो आपने इल्म और अहलवा से मुतल जमा की हैं उसमें अबू जबियाान से मुल अबू हातिम राजी रि ने कहा कि ना आपका इबन मसौन मसौद को पाया है अबू जबियान ने और और न एक बात ये कही अबू हातिम राज ने गो के मुक़त पेश किया बात को कहा कि अबू जबीन रहम् का सलमान फ़ारसी रज़ी से मिलने वाली वो रिवायात जो अरब से मुतक़ हैं अब अरब से मुतक़ किस कबील से क्या अरब की किसी खास फज़ीलत से मुतल या अरब की किसी ख़ास अल्लाह के रसूल की कोई और पेशन गोई हो या अरब से मुतल कोई और चीज़ तो गोया के मुख़ पेश किया अब वातिमी रहा ने कि अबू जबीन का सलमान फ़ारसी रजी अल्लाह से अरब से रखने वाली जो रिवायात हैं कहा कि वो उनसे साबित नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि दीगर मौजूद से मतलब आपने नफ़ी नहीं की है और, 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 और मतदद असाब ने करीब के शेख अलबानी रहम समेत मतदद इल्म ने यानी सलमान फ़ारसी रजी के तलामज़ा में जो है अब 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 जबियान रह को का जिक्र किया है और अबू जबिया रहा सलमान फ़ारसी रजी से एक नई मतदद रवायत आपने सुनी है उनमें से रिवायत भी है बहरहाल आपका समाज साबित है इस एतबार से आ, ये जो सनत है जो इमाम आमश रहम अबू जबीन से उसमें जो कलाम था वो भी मैंने आपको बता दिया और फिर अबू जबियाान रहम सलमान फारसी फ़ारस रजील्न से उनका जो समाबी साबित है तो इस एबार से सलमान फ़ारसी रजी रजील्न का ये मुजरद उनका अपना कौल नहीं रह जाएगा जहन्नम के तारुफ से मुत्ल है तो यकीन ये माने मान के अतबार से एक मरफ़ो रिवायत है सनत के एतबार से मौकूफ़ हूँ देखिए बात चूँकि एक गैबी चीज़ से ताल्लुक़ रखती है दीन से मुतक़ है तो अल्लाह के रसूल की तरफ नस्बत देने के लिए कि अल्लाह के रसूल की बात है ये बताने के लिए मुझे ये तफसल बतानी पड़ी ताकि जो है सबसे पहले मुझे शर सदर हो कि यह वाक़ता अल्लाह के रसूल की बात हो ताकि अल्लाह के रसूल की बात बताने के लिए एक ज़िम्मेदारी हो कि भई अल्लाह के रसूल की बात है तो अल्लाह के रसूल आल्तम की ये बात मानी जाएगी भले ही सनद में आपका नाम नहीं है कि अन्ना रु अन्ना रु सऊदा उन्ना रु सऊदा उतन ला उमरू वो लुहा सुबहान ला जीम वाकतन यह बहुत बड़ी बात है ये तो एक हदीस की बात हो गई जो माने मानन जो है मरफो रिवायत है एक कौल भी हमें मिलता है दीगर असाब इल्म की तरफ से मसलन एक आलिम दीन है जो इल्मी दुनिया में अबू जाफ़र अल कारी से जाने जाते हैं अबू जाफ़र अल अलारी कदीम पुराने दूसरी सदी हिजरी के लमा में से हैं एक सौ तो सत्ताईस से स्नफात हैं कुतुबा की उनका जो अबू जाफ़र कुनिया से मशहूर हैं वो उनका तो नाम था यजीदलक़ाकया यजीद इब्न अल्का इनका नाम था आ, मदीना में से हैं अलबत् जो है बनो मखजूम की मवाली में से हैं एक सौ सत्ताईस कुतबा में से सिर्फ़ और सिर्फ़ सो नबी दाऊद में आपकी रिवायात आपके आपकी एक रिवायत मिलती है अलबत् दर्जा अगर आप मालूम करना चाहें तो हाफिज़ हजर रहमल्ला ने आपको सिक्का कहा है तो ये जो आलिम दीन है अबू जाफ़र जो यानी अबू जाफ़र अलकारी किरात के बाद में बहुत नाम आता है आपका यजीद इबाक़ा रहम् अबू जाफ़र कारी रहा ये कहते हैं कि इनसे से ये बात हमें मिलती है तफसीर इब्न अबी हातिम राजी है ना ऊपर रखी हुई है तफसर इबन अब हातिम राजी उसमें जो है इमाम अबू हातिम रह इब्न इब्न अबी हातिम रहल्ल ने अपनी सनद से इनका यौौन नक़ल किया है कि जब इन्होंने इस आयत करीमा की तिलावत की कुल्लमा अरा दो अखरु जो मिन हा मिन गम मिनो तो फ़ा बखा तो आप रोने लगे क्यों रोने लगे आपने कहा कि अखबारानी जैद इबन जैद इब्न ये यानी ताबियाई हैं और साथे ताब्याईन में आपका शुमार होता है एक सौ छत्तीस नेत है काफ़ी पहले मुतद बार इनका नाम मैंने नाम लिया है इनके फर्जन का तो बहुत बार नाम आता है अब्दुलरहम इब्न जैदिबाससम तो जैद इब्बासमाय मदीना में से हैं सिकार हैं तो जैद इब्न असलम रहा तफ़िर के बाब में आपकी नखूलत बहुत हैं आपने कहा कि आ, कि, कि यानी अल्लाह जो कौल उनकी तरफ से मिलता है वो ये कि अहलन ना नार, ना नारी फ़िन नारी अहल जहन्नम जहन्नम में आ, मतलब सांस नहीं ले पाएंगे दम घुट रहा होगा उनका अल्लाह अकबर न सलम हम कभी किसी वीडियो में देखते हैं कि कहीं कुछ हादिसा हो गया और कभी कुछ आंसू गैस छोड़ दिया गया तो क्या होता है कि जो आदमी सांस नहीं ले पा रहा है दम घुट रहा है या जो है मिसाल के तौर पर घरों में लोग रहते हैं कुछ काम काज हो रहा होता है तो बोलते हैं कि भाई दरवाज़ा खोल दो खिड़कियाँ खोल दो सांस लेने नहीं हो रहा है दम घुट रहा है यानी एक 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 हल्की सी चीज़ जबकि वहाँ एक, एक 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 फैसले के तहत एक हुक्म के तहत कि उनके ताल्लुक से एक 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 जो है मतलब मामला किया जा रहा है और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे और जहन्नम की ये सूरत हाल कि फ़सून कैसी बात होगी अंदाजा लगाईम न सर तो ये जहन्नम में यानी होंगे और जहन्नम में तड़प रहे होंगे जहन्नम में गमजदा होंगे और आग का वो सामना कर रहे होंगे सब कुछ तो और और वो कैसे निकल पाएंगे बाहर क्या मतलब होगा इस आयत करीमा का कामा आर यखरुजुमिन हामिन गमिन जब कभी वो इस गम से जहन्नम के गम से निकलने का इरादा करेंगे तो जो है उन्हें धक्का दे करके फिर दोबारा जहन्नम में फेंका जाएगा तो वो वो, वो क्या इतनी ताकत है उनमें क्या वो गेट दरवाजे तक भाग कर आ पाएंगे वो कैसे ये एक समझने की बात है इस सिलसिले में यानी मुफसरीन ने जो बातें लिखी हैं उसमें उन बातों में से इस आयत करीमा की तफसीर में क़ावी क़ावी कह रहा हूँ फज़िल इब्न अयाज़ الله फजल इब्याज़ रहमल्ला हम जानते हैं कि कितुबी सिता के रूआात में से हैं सुनन इब्न माजा में आपकी कोई रिवायत नहीं है अब आलिया जाहद फजल इब्न अयाज़ अबू आलिया जाहिद मारूफा आलिम दीन एक सौ अस्सी परसाद जिरेफ़ात हैं तो फजायल इब्न अयाज़ रहा के मुतद अक़वाल हमें मिलते हैं रफ़ी ज़िक्र लिखा इमाम ने आपके बारे में बड़ी 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 शख्सियत तो फजायल इब्न अयाज़ कहते हैं कि जो है यानी मा तम्यू, मा मातामिया मातमियामिनखरूज यानी इनको जहन्नम से निकलने की कोई तमाह नहीं होगी मतलब एक जहन्नमी को अहलुन्नार जो हैं जो जो जहन्नमी जो हैं उन उनको जहन्नम से निकलने का कोई ख्याल ही नहीं होगा ख्याल एक अलग चीज़ है जहन्नम से निकल निकलने की कोई सूरत ही नहीं होगी इसलिए कि ले अनल उनके जो पैर हैं ले अनिल अर्जुल मुक़ैदा उनके पैर तो बंधे हुए ही वो तो जो है मतलब लोहे की बेड़ियों में बंधे हुए हैं उनके पैर वो वल मौसों का और उनके हाथ भी बंधे हुए हैं पैर भी बंधे हुए हैं तो निकल के आएंगे कहीं से कहा कि उसकी सूरत हाल ये यह होगी जो तकरीबन तकरीबाफसर ने इस बात को पेश किया है वो ये कि यरफा रोहा लहबू हा अल्लाकबर यरफाघम यरफागुम यरफा कि जहन्नम के जो शौले होंगे वो इतने बड़े बड़े होंगे और इतने तेज़ होंगे जो जहन्नमी को जलाते जलाते वो शौले जो है उसे उठा उठा के फेंकेंगे ऊपर से जब उठा उठा करके फेंकेंगे तो वो दरवाजे के करीब आएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम शायद बाहर भी निकल जाएंगे तब जा करके के फतर उद्दूा मकामिया उहा तो फिर फतम मकामिया उहा फिर वही के वा मकामिया उमिन हदीद के जो जहन्नम के जो दारोगा होंगे वो लोहे के हथौड़े लेकर के फिर वहाँ से मारेंगे और ढकेलेगे जहन्नमे और कहेंगे कि आजाबल हरीक तो अज खुद वहाँ तक भाग करके नहीं आएंगे आग से बचते बचाते दरवाजे तक फिर दरवाजे से ढकेलने के लिए यानी जहन्नम के जो शोले होंगे वो ख़ुद उन्हें जो है मतलब डालेंगे वहाँ पर सुबहानल अज़ीम ये बात जो है तकरीबन जमी मुफसर ने लिखी हैं ये आ, कहते हुए बहुत ही यानी एक हैबत तारी हो रही है अल्लाह ताला अल्लाह के दीन पर रबात ख़दमे अता करे अल्लाह अल्लाह हमसे राज़ी रहे और अल्लाह अल्लाह सुबहान वाल अल्ला जब हमें मौत दे तो अल्लाह अल्लाहान उसके दीन दीन पर दीन इस्लाम पर अल्लाह रबालम ने हमें मौत अता फ़रमाए ये कुछ तफसीरी बातें थी इस आयात करीमा से मुतल आखिरी बात इस आयत करीमा से मुतल और इस नशे से मुतल मैं वो एक ये की मैंने इस आयत करीमा में गौर किया कि अल्लाह रबालमीन ने फ़रमाया किरा दो अखरुजो मिन हा मिन मिनफ़ी हा वु को उसके बाद अल्लाह ने कहा ऐज़ाबल हरीक़ अल्लाह ने कहा कि एज़ा हरीक़ मैंने यहाँ गौर जो किया अल्लाह ताला के तौफीक उसके फ़ल्ल करम से मैं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है अल्लाह सुबहान तफ़े से मैंने इस सिलसिले में देखा अगर किसी का ये हासिल मुताल होता तो इल्मी अमानत के तौर तो पर मैं ज़रूर बताया होता कि किसने ये बात कही है चूँकि मैंने कल जो है इस सिलसिले में पढ़ रहा था देख रहा था तो मैंने ग़ौर किया तो जो है अल्लाह ताल के तोफ़ी से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी अल्लाह सुबहान ताली ने आज़ाब को हरीक़ की तरफ इजाफ़त दे के पेश किया मैंने कल आपको बताया कि अ हरीक़ ऐसी आग को कहते हैं जो काजी बैजावी रहा कहते हैं कि अल्मबाल का तो फन्ना

कौन कौन लोग मुराद हैं यानी क्योंकि जब हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो कुफ़ार हैं आदम आज के बाद से लेकर के क्यामत तक ज़ाहिर बात है सब कुफ़ार तो एक जैसे नहीं होंगे जैसे सब मुसलमान एक दर्जे के नहीं हैं जाहिर बात अम्ब्या आल मसाद तो उनमें ओलाज़म और उसमें अल्लाह के रसूल का जो मकाम है सल् वम सहाबा का जो मकाम है सहाबा में सिद्दीक़ अकबर का जो मकाम है फ़ारूक 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 आज़म का जो मकाम है उमर बिन खत्ताब का तो इस एतबार से सहाबा में

उन्हीं लोगों के लिए बयान किया है जो इस दुनिया के इस दुनिया में कुफ़ार के सरगना होंगे कुफ़ार के सरखेल होंगे कुफ़ार के वो सरबराहान होंगे कुफार में ऐसे कुफार जो समझ रहे हैं ना कि जो है जो यानी यानी जिन्होंने अपनी अक्ल अपना पैसा अपना असर रसूख अपना मनसब अपनी कुर्सी अपनी अपनी पूरी ताकत उन्होंने अल्लाह के दीन के खिलाफ लगाई होगी अहले ईमान के खिलाफ लगाई होगी सुबह शाम बस मुसलमानों के से मुसलमानों के खिलाफ अहले इस्लाम के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ अल्लाह की किताब के खिलाफ अल्लाह के दीन दिन इस्लाम के खिलाफ यानी चौबीस घंटे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ करके रखी हो ऐसे कुफ़ार के लिए अल्लाह रब्लमी ने अदावल हरीक रखी हैं आप ज़रा गौर कीजिए सूरत अल इमरान में अल्लाबालमी ने फ़रमायादी कौल इन फ़कीरिया سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الله رب العالمين نے किस لعذاب كفار کے لئے عذاب الحريق کی دھمکی دی ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمين کے حق میں यानी एक होता नहीं आम कुफ़ार हैं एक होते हैं वो जिन्होंने अल्लाह सुबहान वाली के कि मतलब सुई अदब से काम लिया अल्लाह की ना कदरी की अल्लाह सुबहान ताल की कि अज़मत के के हक़ में कैसी कैसी गुफ्तु की अल्लाह अकबर के अल्लाह फ़कीर हैं हम मालदार हैं अल्लाह सुबहान वतला हमबिया भी बैर हक अम्बिया को कतल किया उन्होंने अम्बिया को कतल करने के साथ अल्लाह ने कहा कि बगैर हक़ शेख शनकी कहते हैं रहम्ह बगैर हक़ क्यों कहा रबालमीन ने क्या नबी को कतल करने का हक भी होता है क्या उनको हक़ होता ही नहीं कतल करने का किसी पहलू से भी वो हक़ नहीं रखते कि उन्हें कतल किया जाए इसीलिए अल्लाह तला ने खूसी तौर पर कहा कि बगैर हक़ उनको कतल बग़ैर हक़ के ही किया जाता है तो अम्बिया को कतल करना वो किस दर्जे के लोग होंगे उनके लिए अल्लाह ने कहा व नक़ुल को आदा हरीक़ कि ज़ो को आदाबल हरी़ इस तरह के कुफ़ार के लिए अल्लाह रबुल आलमीन ने सूरत तो ये एक आयत करीमा है करीमा। आप देखिए अल्लाह व तआला ने सो तो अनफाल में बदर का जब जिक्र फरमाया यानी बद्र का जब जिक्र फ़रमाया तो अल्लाह ताला ने उसके सिया में अल्लाह ने कहा सो तो अनफाल में वालमू जो दसवा पारा है देखो वाला उतारा इजियत वफलना का फ़रमोला एक वजुबारजूक व आदाउल हरीक जब जब बद्र का जो मारिका था गज्वे बद्र उसमें जब कुफ़ार का जब खात्मा कुफ़ार बड़े बड़े सरदार जो कुफार के थे मारे गए रो कुफ़र मारे गए अबू जहल मारा गया उमैया मारा गया वगैरह वगैरह तो अल्लाह सुबहान तआला ने एक काफिर की मौत जब आती है तो क्या सूरत हाल होगी कहा कि वल कि जब तुम उस देख उस उस इंसान को देखोगे जो एक काफिर है उसकी मौत आ रही है मलाइका उसके चेहरे पर उसकी पीठ पर मारते होंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अल अजीम व ذوق नकुलदूक आदाबलरी को عذاب الحريق तो अल्लाह सुबहान तौला ने यहां पर भी देखिए किस किस दर्जे के कुफ़ार के लिए अल्लाह ताली ने इस अजाब को ज़िक्र किया है अभी सूरत हज में मैंने जिक्र किया था सानिया इतफ़ी ला सभी ही भी गए सानफफ़ी लिय सबी लहुफ दुनिया खिज्यू उनमत आदबाल हरक अभी सूरत हज की कुछ आयात पहले तकरीबन मैं समझता हूँ ग्यारह बारह आयत नंबर है तो वहां पर भी मैंने जिक्र किया कि वहाँ सानिया इतफी कौन लोग मुराद हैं किस किस तर्ज के वो लोग हैं किस दर्जे के वो लोग हैं कुफ, कुफर में क्या दर्जा है उनका अल्लाह अकबर तो उन उसी के सियाख में अल्लाह ने उनके लिए भी हरीफ की बात कही और ये हादानी खसमानफी और इसमें जो है बदरी सहाबाही को है अल्लाह ने उन्हीं के सिया में फरमाया कहा कि आज़ाबलारीफ़ और सुरतुलबरूज में देखी जहन्नम फल आजाबुल आज़ाबुलहरीफ तो आज़ाबुलहरीफ अल्लाह रबुल आलमी ने उन लोगों के लिए कहा जो सिर्फ फी नफसे ही काफिर नहीं है बल्कि काफिर होने के साथ साथ वो एक मुसलमान को इस्लाम लाने की वजह से तकलीफ़ दे रहे हैं बहसीत मुसलमान उसकी इस शनाख्त पर उसको जो है अजियत पहुंचा रहे हैं उस बुनियाद पर उसे जो है सता रहे हैं उस बुनियाद पर उसकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं बहसीत वो एक मुसलमान है उसका दीन अल्लाह का जो दीन है इस्लाम उसे उसने कबूल किया है उस बुनियाद पर उसे उसको तकलीफ दे रहे हैं तो फिर अल्लाह रब्बालमीम ने उनके हक़ में ये बात कही कि अगर तोबा के बग़ैर मरते हैं तो उनके लिए हज़ा हरीक है सुबहानल्लाजीम तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़ाबुल हरीक किस दर्जे के काफिरों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है ये यह यहां तक बातें खत्म हुई इसके बाद अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए जो इनामात रखी हैं आ, सबका तो अल्लाह ने जिक्र नहीं फरमाया वहां पर इस इस आयत करीमा की रोशनी इसके बाद वाली आयत करीमा में जो बातें जो इनामात अल्लाह ने बयान की हैं बिल्कुल काफिरों को यहाँ जो सजाएं मिली हैं उसके बिल्कुल मुकाबिल उसी की कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान के लिए जिक्र फरमाई हैं इन मैं आपके सामने तफसील तबसे बेदन तिक्र करूँगा अल्ला अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशे को हमारे इस हमारे वालदे हमारे कुल माविन मुशाहिदीन के लिए अल्लाह ताला जो है झखीर आखिरत कर दे इस नशे को और हमारे लिए भी हमारे अहलिया के लिए हमारे बच्चों के लिए अल्लाह ताली इस नशे को जख़ीर आखिरत कर दे मेरी एहलिया का चूंकि काफ़ी तान रहता है रिकॉर्डिंग में और इसकी तनसीख में और फिर इसकी तजील में इसकी इसको अपलोड करने में इसको नशर इशात में अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर से नवाजे सुबह हमद